इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब के किनारे पेड़ से लटकता मिला लगभग 35 वर्षीय युवक का शव। फूलाकापुरवा स्थित घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर लाश मिलने से मचा हड़कंप। मोहनगंज बाजार में बेकरी का काम करता था मृतक युवक अंसार। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने लाश को उतारते हुए कब्जे में लिया। पुलिस ने लाश पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच तथा विधिक कार्यवाही में जुटे। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बधोना चरमतली तालाब के पास की है घटना। आज सुबह लगभग 9 बजे एक सूचना मिली कि कोतवाली मोहनगंज के बढ़ौना ग्राम अंतर्गत चमार दलिया के पास बबूल की बाग में एक पेड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव लटका हुआ है। उक्त के संबंध में घटनास्थल पर पहुंचकर जब जांच की गई, शिनाख्त की कार्रवाई की गई तो शव की पहचान अंसार अहमद सना मोहम्मद नईम उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी खुदा बख्श का पुरवा मजले फूला थाना मोहनगंज के रूप में की गई है। शव का पंचायतनामा करा लिया गया है, कराकर पोस्टमार्टम हेतु मुख्यालय गौरीगंज भेज दिया गया है। टीम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की। क्या नाम है आपका? नाजिया बानू। कहाँ से हैं आप? हम खुदा बख्श पुरवा से हैं। क्या मामला हुआ है आज? मामला ये हुआ कि फोन आया था कि तुम्हारे भाई का एक बार सुने मिला कि एक्सीडेंट हुआ है। जब हम आप थाने में आए तो वहाँ सुने मिला कि कोई फांसी लगा के लटकाया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ मेट्रो पास बधोना है। अच्छा, ये कहाँ काम करते थे? यही मोहनगंज में खुशबू बेकरी। खुशबू बेकरी कितने दिनों से काम करते थे? लगभग काफी दिन से काम करते थे, घर से निकले हुए 15 दिन हुआ है। 15 दिन से यही रह रहे थे। हाँ। और कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली है, पुलिस वालों ने फोन किया, जानकारी मिली पुलिस से माध्यम से। और जब आप मौके पे गई थी या नहीं? नहीं जा पाई। हमारे भाई लोग गए हैं, कोई मिला नहीं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।